राम जी के वनवास की सूचना सुनते ही भरत जी पिताजी की मृत्यु भूल गए। इसमें न मंथरा का अपराध, न मेरे पिताश्री का अपराध। अगर किसी का अपराध है तो पापी भरत तेरा अपराध है। तूने जन्म ही क्यों लिया इस संसार में? न तू जन्म लेता, न तुझे राजा बनाने का स्वप्न कहीं देखती। इस संतान के कारण माँ के मांग का सिंदूर समाप्त हो जाए, उससे अभागा कोई नहीं हो सकता। प्रातः काल गुरुदेव भगवान आए, ज्ञान उपदेश किए हैं। महाराज के पार्थिव शरीर को नाव में तेल भर के और सुरक्षित कराया। क्यों? उस समय बर्फ नहीं था और शरीर को अग्नि देने के लिए चार में से एक भी संतान नहीं है, इसलिए शरीर को सुरक्षित करना है। नाव में तेल भरा और उसमें शरीर को रख दिया। दूतों को गुरुदेव भगवान ने भेजा भरत जी के पास। भरत जी ननिहाल गए हैं अपने शत्रुघ्न भैया के साथ। जाकर दूत गुरुदेव ने कहा दूतों से कि भरत जी के पास जाइए और केवल इतना कहिएगा कि गुरु जी ने याद किया है, बस यहां जो हुआ है उन कुछ बताइएगा मत उनको। है दूत पहुंचे हैं और यहां एक निवेदन करूं आपसे, शरीर भले दूर हो यदि मन पास में है ना तो सारे भाव का पता बिना बताए चलता रहता है। कई लोग शरीर से तो पास में ही रहते हैं, मन से बहुत दूर हो जाते हैं। इसलिए आप हंस रहे हैं, रो रहे हैं, उसका उन पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। यहां दर्शन करिए, भरत जी शरीर से ननिहाल में है लेकिन मन से घर में है अपने। और गोस्वामी जी कहते हैं जिस दिन से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ है उस दिन से भरत जी को बुरे बुरे स्वप्न आने लगे, अपशगुन होने लगे। अनर्थ अवध आरंभ जपते कुशगन हो ही भरत कहूं तपते। कितनी दूरी है, रात को देख ही रात भयावक सपना। रात में भयानक स्वप्न देखते हैं, प्रातः काल उठते हैं, अनेक प्रकार से कल्पना करते हैं। जिसके प्रति प्रेम होता है उसके प्रति संशय सदैव बना रहता है। ये समझिएगा, आप जिसको प्रेम करते हैं वो व्यक्ति सुबह जॉब पर जाता है, शाम को 7 बजे घर लौटता है, किसी दिन यदि 8 बज जाए आदमी बेचैन हो जाता है, क्या हुआ हो, अब तक नहीं आए, कहीं कुछ हो तो नहीं गया होगा ना, गाड़ी लड़ तो नहीं गई होगी, कहीं कोई पकड़ तो नहीं लिया होगा, नाना प्रकार के जब तक वो आ न जाए जीव करोड़ों प्रकार से कल्पना करता है। किसके प्रति? जिससे प्रेम होता है उसके प्रति। जिससे प्रेम न हो वो आए न आए कोई फर्क नहीं पड़ता। भरत जी रात में स्वप्न देखते हैं, डर जाते हैं, सवेरे उठकर अनेक प्रकार से कल्पना करने लगते हैं, कल्पना करके डर जाते हैं, तो तुरंत भगवान शंकर की शरण में जाते हैं और शत्रुघ्न भैया के साथ शंकर जी की पूजा करने लगते हैं और कहते बाबा मेरे परिवार में सबको कुशल रखिए। 7-8 दिनों से ऐसा चल रहा है। अचानक एक दिन प्रातः बेला में बिना किसी सूचना के अयोध्या के सेवकों को देखकर, दूतों को देखकर भरत जी कांप गए। भरत जी ने पूछा आप यहां पर? दूतों ने कहा कुछ पूछिए मत प्रभु, गुरुदेव ने आपको याद किया है, तुरंत चलिए। जिस दशा में वेश में थे भरत जी शत्रुघ्न भैया के साथ दौड़ पड़े। गोस्वामी जी कहते हैं भरत जी अयोध्या में प्रवेश किए। आप दर्शन करिए भरत जी को क्या सुनाई दे रहा है। खर सियार बोलहि प्रतिकूल, सियार बोल रहे हैं, खर बोल रहा है, प्रतिकूल ध्वनि हो गूंज रही है। सोनी सोनी होए भरत मन सोला,
भरत जी अयोध्या देखे, उनको लगा कि मानो मेरी अयोध्या के किसी ने श्री को हरण कर लिया। आज भगवान की नगरी अयोध्या श्रीहत दिखने लगी। श्री यानी उसका ऐश्वर्य, उसका सौभाग्य आज दिखाई नहीं दिया भरत जी को। मार्ग में नगर नारी नर निपट दुखारी, ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं दिखाई पड़ा अयोध्या में भरत जी को जिसके चेहरे पर हंसी दिखाई दे रही हो। सारे के सारे लोग दुखी हैं, मानो जीवन का सब संपत्ति कोई व्यक्ति हार जाए और जीवन की पूरी संपत्ति गंवाने के बाद उसकी जो दशा होगी, उस दशा में अयोध्या वासी हैं। इनकी संपत्ति नहीं, इनकी परम संपत्ति गई है हो। धन चला जाए कोई बात नहीं, जीवन से यदि भगवान की भक्ति चली जाए और भगवान दूर हो जाए, कुछ बचेगा नहीं। राम जी के विवाह में सीता जी की विदा के समय जनक जी महाराज बहुत रोए और पहली बार मिथिला वासियों ने जनक जी महाराज को रोते हुए देखा था। पहली बार जीवन में जनक जी राग विराग से परे है, ब्रह्म के भाव में रहने वाले महापुरुष। जोग भोग मह राख्यो कोई, राम बिलोकत प्रगट्यो सोई। ऐसे महाराज जनक, मेरी मां किशोरी जी की जब विदा होने लगी ना, महाराज मेरी मां को हृदय से लगाकर बहुत रोए आए, बहुत रोए। मिटी महा मरजाद ज्ञान की, ज्ञान की सारी मर्यादाएं समाप्त तो हो गई आज। महाराज बहुत रोए। क्यों रोए? सीता जी जा रही है इसलिए रो रहे? नहीं, इसलिए नहीं रो रहे। महाराज जानते हैं कि मेरी सीता भक्ति है, मेरी सीता शक्ति है, मेरी सीता जगदम्बा है। और महाराज ये भी जानते हैं कि मेरे जीवन में ये भक्ति ये शक्ति जब आई, तब जाकर इस जनक को भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ। यदि सीता ना आई होती मेरे घर में, तो मुझे राम का दर्शन ना मिला होता। महाराज इसलिए रो रहे हैं कि जनक, जिस भक्ति ने तुमको भगवान का दर्शन कराया, आज तुम्हारे से वो भक्ति निकल के जीवन से जा रही है, इसलिए महाराज रो रहे हैं। यहां गोस्वामी जी कहते हैं, ऐसा लग रहा है कि मानो अयोध्या वासी जीवन की सारी संपत्ति हार चुके हो, सारा धन ऐश्वर्य समाप्त तो हो गया हो, सब लोग दुखी हैं। भरत जी सबसे पहले अपनी मां कैकेयी के पास गए। द्वार पर कैकेयी मैया ने भरत जी का खूब स्वागत किया, आरती उतारी, मां ने दुलार किया, भीतर लेकर गई, ले जाकर बिस्तर पर बिठाया। कैकेयी मां ने पूछा, भरत मामा के घर सब कुशल है ना? भरत जी बोले, मां वहां तो कुशल है, मेरे घर में सब कुशल है ना मां? कैके ने पूछा, क्यों? भरत जी बोले, मां आज तक मैं जब भी बाहर से घर लौटा हूं, तो द्वार पर अकेले तुम नहीं दिखाई पड़ी हो, तुम्हारे साथ मां कौशल्या और सुमित्रा भी रहती थी, आज आप अकेले खड़ी थी मां। मेरे घर में सब कुशल है ना? कैकेयी जी ने कहा, भरत कुशल तो पुत्र मैंने सब कर लिया था। बिचारी मंथरा ने बड़ी सहायता की मेरी, लेकिन एक बात कहूं भरत, ब्रह्मा जी ने बीच में एक बात बिगाड़ दी आज। भरत जी बोले, क्या हुआ मां? कैकेयी जी ने कहा, भरत सब ठीक हो गया था, लेकिन क्या कहें, अचानक आपके पिताजी नहीं रहे। वो स्वामी जी कहते हैं, भरत जी सुने पिताश्री नहीं रहे, तात तात हा तात पुकारी, हे तात कह के भरत जी खड़े खड़े गिर पड़े। जैसे जल से मछली को निकाल कर बाहर छोड़ दीजिए,
और जल से निकलने के बाद जैसे मछली छटपटाने लगे, भरत जी छटपटाने लगे। मां ने संभाल किया भरत जी का। भरत जी उठे, पूछे कारण बताओ मुझे। पिताश्री को कोई व्याधि नहीं थी। मां क्या हो गया कि पिताश्री अचानक चले गए? यहां दर्शन करिए, मां कह कही जानती है कि आज के बाद मेरा पुत्र भरत अब जीवन में मुझे कभी मां नहीं बोलेगा। भरत जी को जब पता चला सब बात, उसके बाद भरत जी ने जीवन भर कैकेयी को मां नहीं कहा। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा कष्ट कुछ नहीं हो सकता है कि उसकी अपनी संतान ही उसको मां कहने से मना कर दे। लेकिन मां ने अपने आप को कठोर किया। क्यों? मां जानती है कैकेयी जब तक तुम समाप्त नहीं हो जाओगी तब तक तुम्हारा राम महान कैसे बनेगा, इसलिए तुमको समाप्त होना ही पड़ेगा। मां ने कोई कल छपट नहीं किया, सब बताया। कैसे महाराज ने राम के अभिषेक की तैयारी की, कैसे मां ने मंथरा के कहने के बाद दो वरदान मांगे, सब मां ने बताया। और यहां गोस्वामी जी कहते हैं, भरत जी सुने कि भैया बन गए, राम जी के वनवास की सूचना सुनते ही भरत जी पिताजी की मृत्यु भूल गए। भरत ही बिसरो पितु मरण सुनत राम बन गौन, हे तू अपन पौ जान जिया थकेत रहे। स्वामी जी कहते हैं भरत जी पिताजी की मृत्यु भूल गए। कब? जब सुने कि भैया बन गए। क्यों? क्यों? सामान्य अर्थ है इसका। जीवन में जब बड़ा दुख आ जाए ना तो छोटका दुख समाप्त हो जाता है। भरत जी पहले तो रो रहे थे कि पिताजी नहीं रहे, जब सुने कि राम भैया बन चले गए पिताजी की मृत्यु भूल गए। और यहां गोस्वामी जी कहते हैं थकित रहे धरी मौन, स्तब्ध हो गए भरत जी, मौन हो गए, अपने आप को सोचने लगे। और यहां एक प्रसंग कहता है, माई बाप घर में उत्पात हो तो विवेकी पुरुष को पहले आत्मचिंतन करना चाहिए, इस उत्पात में कहीं मेरी तो भूमिका कोई नहीं है। होता क्या है, उत्पात करने वाला भी दूसरे पर आरोप कर देता है, इसने किया है। इस पूरी घटना के सुनने के बाद भरत जी मौन हो गए और चिंतन करने लगे। इसमें न कैकेयी तुम्हारा अपराध, इसमें न मंथरा का अपराध, न मेरे पिताश्री का अपराध। अगर किसी का अपराध है तो पापी भरत तेरा अपराध है। तूने जन्म ही क्यों लिया इस संसार में, न तू जन्म लेता न तुझे राजा बनाने का स्वप्न कैकेयी देखती। भरत जी अपने को दोषी मान लिए। मोर जन्म रघुबर बन लागे, यहां पर भरत जी ने कैकेयी मां को बहुत कुछ सुनाया है। भक्त होने के नाते कभी पढ़िएगा मत, पाठ में भले पढ़ जाइए अलग से मत पढ़िएगा कि भरत जी ने मां कैकेयी को क्या क्या कहा। वो भरत जी की पीड़ा थी, बोल गए, लेकिन वो पढ़ने योग्य नहीं है ना बोलने योग्य है। क्यों? भरत जी ने जो जो बातें कही मेरी मां कैकेयी वो सुनने की अधिकारी भी नहीं है, इसलिए लिखा भले हो पढ़िएगा मत कभी। मंथरा आई, शत्रुघ्न जी ने मारा मंथरा को। भरत जी ने मंथरा को छुड़वाया और शत्रुघ्न भैया के साथ भरत जी गए मां कौशल्या के पास। अब दर्शन करिए, कौशल्या मैया अपने कक्ष में है, रो रही है, आंख में आंसू भरे हुए हैं। द्वार पर भरत जी आके खड़े भय, आंख में जब आंसू आ जाए तो स्पष्ट नहीं दिखता है, धुंधला दिखता है। भरत जी राम जी देखने में बिल्कुल एक जैसे हैं,
भरत जी द्वार पर खड़े भए, धुंधला दिखाई पड़ा माँ कौशल्या को। माँ को लगा मानो राघव आ गए। माँ तुरंत उठी भाव में और दौड़ पड़ी। इतनी व्याकुलता है, गोस्वामी जी कहते हैं कि द्वार तक कौशल्या मैया पहुंची भी नहीं, बीच रास्ते में ही बीच मध्य भाग तक जाते जाते मां इतनी भाव में थी कि मूर्छित होकर कौशल्या मैया गिर पड़ी धरती पर। जब मां मूर्छित होकर गिर पड़ी तो भरत जी दौड़ कर आए, मां के चरणों से लिपट गए, मूर्छा गई। मां ने देखा मेरा भरत आ गया है, गोद में बिठाया। भरत जी बार बार मां के मुख को देखते हैं। यहां पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं, भरत जी ने मां से कहा, मां कोति भुवन मोहि सरस भागे, कोति भुवन मोहि सरस भागे, गति अस्ति तोरी मां तुझे ही लागे, गति अस्ति तोरी मां तुझे तू तात कहाँ देव दिखाई, माँ तू तात कहाँ देव दिखाई, कहाँ रघुनाथ कहाँ सियाराम लखन दो राम लखन दो। भरत जी मां कौशल्या के मांग को बार बार देखते हैं। मां ने पूछा क्या देख रहे हो भरत? भरत जी ने कहा, मां आज पूरे ब्रह्मांड में मेरे से अभागा दूसरा कोई नहीं होगा। मां ने पूछा तुम अभागे कैसे हो गए? भरत जी ने कहा, मां जिस संतान के कारण मां के मांग का सिंदूर समाप्त हो जाए उससे अभागा कोई नहीं हो सकता। लेकिन एक बात कहूं मां, इस पूरे प्रकरण में मैं कुछ भी नहीं जानता हूं। मां यदि भैया के वनवास में मेरी लेश मात्र भी यदि इच्छा हो तो मां जो पाप गुरु की हत्या से लगता है मुझे लग जाए, मां जो पाप माता पिता की हत्या से लगता है मुझे लग जाए। अब भरत जी लगे पाप गिनाने, अंक में पल रही संतान की हत्या से जो पाप लगता है मां वो मैं लेने को तैयार हूं। भरत जी पाप गिनाते गिनाते 28 पाप गिनाए। कितने? 28। बोले ये सारे पाप मैं लेने को तैयार हूं यदि प्रभु के वनवास में मेरी तनिक भी सहमति हो। कौशल्या मैया ने कहा, बोल लिए भरत? सूर्य को देख रहे हो ना, जिस सूर्य के आने के बाद अंधकार समाप्त हो जाता है, ये संभव है कि किसी दिन अंधकार ही सूर्य को समाप्त कर डाले, हो सकता है। जल से निकलने के बाद मछली मरे नहीं जीवित बच जाए, संभव है। सोचा यदि दशरथ जीवित रहोगे तो इस पापी भरत का मुख देखना पड़ेगा, मेरे जैसे अधम का मुख दिखाई ना पड़े। भरत जी केवल अपने को दोष मानते। पूरी रात्रि बीती उसी भाव में, मां की गोद में भरत जी बैठे रहे। प्रातःकाल गुरुदेव भगवान आए, सरजू मैया की तट पर चंदन की लकड़ी की चिता सजाई गई और गुरु आज्ञा प्राप्त करके भरत जी ने पिताजी को मुखाग्नि दिया है। दशगात्र त्रयोदश संस्कार पूर्ण भया है।
भरत जी ने पिताजी की जो श्राद्ध क्रिया की है, गोस्वामी जी कहते हैं पितु हे तभरत कीन्ह जस करनी सो मुख लाख जाय नहीं पर। पिताजी के निमित्र श्री भरतलाल जी ने जो त्रयोदश संस्कार पूर्ण किया है, पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं 100,000 मुख से भी उसकी प्रशंसा की जाए तो मुख कम पड़ जाएगा, इतना किया भरत जी। देखिए माता पिता घर में कोई भी यदि बुजुर्ग जा रहा हो तो उसके जाने के बाद उसका श्राद्ध कर्म विधिवत करना चाहिए, ये वेद भगवान की आज्ञा है। आजकल एक नई प्रथा आपको बताऊं दिखाई पड़ता है, लोग कहते हैं महाराज टाइम नहीं है, जॉब में छुट्टी नहीं है, आर्य समाज में 3 दिन में ही श्राद्ध हो जाता है, आर्य समाज का मान के 3 दिन में कर लिए हैं, बाबूजी जीवन भर सनातनी रहे और मरने के बाद हमको आर्य समाजी बना दिए, हम लायक है कि नालायक है हो हैं? जिस माँ ने 9 महीने कोख में धारण कर लिया हमको, यदि उस माता पिता के लिए हमारे पास 15 दिन नहीं निकल रहा है तो हम मनुष्य कहलाने के अधिकारी नहीं है, हम पशु से भी गए गुजरे हैं। यहां भरत जी ने पिताजी के लिए जो व्यवहार किया है, गुरु जी एक प्रकार से कहते थे, भरत जी 1,000 प्रकार से करते थे, ऐसा किया श्राद्ध कर्म भरत जी ने पिताश्री का, लाखों मुख से वर्णन होने वाला नहीं है। और याद समझिएगा ये अभाव का व्यवहार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, स्वभाव का प्रभाव पड़ता है। स्वभाव में दरिद्रता है तो ऐश्वर्य होने के बाद भी आदमी कुछ नहीं करता है, और स्वभाव में यदि उदारता है तो अभाव का कोई अर्थ नहीं होता है, मनुष्य किसी से ले करके व्यवहार कर जाता है, बाद में उसको वापस करता है। भरत जी ने स्वभावतः किया है, त्रयोदश संस्कार पूर्ण भया, उसके बाद गुरुदेव भगवान ने सोचा अयोध्या का सिंहासन रिक्त है, कोई बैठा नहीं है, श्रद्धांजलि सभा बिठाई 4 दिन बाद। भरत जी को गुरु जी ने अपने बगल में बिठाया है, भरत वशिष्ठ निकट बैठा, क्यों जिसको समझाना होता है उसको बगल में बिठाना होता है, बार बार है दुलार करना पड़ता है, भरत जी को गुरु जी ने बगल में बिठाया और कहा भरत जी एक बात हम कहें आपको, ब्रह्मा जी ने मनुष्य को बनाकर धरती पर भेजा तो सब कुछ मनुष्य के हाथ में दे दिया, परंतु 6 वस्तुओं को ब्रह्मा जी अपने हाथ में पकड़ के बैठे हैं, ये 6 वस्तु क्या है, हानि लाभ जीवन मरण जश अपजश विधिहार। हम व्यापार में धन लगा सकते हैं, धन लगाने के बाद लाभ होगा कि हानि होगी ये हमारे हाथ में नहीं है, विधाता के हाथ में। किसान भाई खेत में दाना डाल सकते हैं, बीज पड़ने के बाद उससे अन्न उत्पन्न होगा कि नहीं होगा, विधाता के हाथ में। जन्म कौन लेगा, कौन कब जाएगा, जन्म लेना मरना विधाता के हाथ में। देखिए जिसको जाना है दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती, और जिसको रुकना है दुनिया की कोई सत्ता उसको लेके नहीं जा सकती है, ये सब निश्चित है विधाता के हाथ में। जश और अपयश, किसको यश मिलना है किसको अपयश मिलना है ये सब निश्चित है। मनुष्य तो अपनी ओर से यश के लिए व्यवहार करता है लेकिन उल्टा पड़ जाता है। हानि लाभ जन्म मरण
यश और अपयश विधि हार। गुरु जी ने कहा कि आप अपने पिताजी को लेकर सोच रहे हैं, मैं कहता हूं भरत जी आपके पिताजी सोच करने लायक नहीं है। आपके पिता जैसा पिता न कभी था, आपके पिता जैसा पिता न वर्तमान में है और न आपके पिता जैसा पिता भविष्य में कभी होने वाला है। भयउ न आई न अब हो निहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। आपके पिताजी सब प्रकार से बड़भागी थे भरत जी, हम क्या बतावें। जिन महाराज की प्रशंसा इंद्र करते हो, जिन महाराज की प्रशंसा ब्रह्मा करते हो, जिन महाराज की प्रशंसा शंकर करते हो, जिन महाराज के जीवन में आप राम लक्ष्मण और शत्रुघ्न जैसे चार चार रत्न संतान हो, उस महाराज के सौभाग्य के बारे में कोई क्या बोलेगा। आप कल्पना करिए, जिसके घर में भगवान बालक बन के खेल रहे हो, उस दशरथ जी का सौभाग्य कोई कितना बताएगा। गुरुदेव ने कहा भरत आपके पिताजी को वचन से प्रेम था, प्राण से प्रेम नहीं था। यदि दशरथ जी को प्राण से प्रेम होता तो वो प्राण बचा लेते, वचन छोड़ देते, लेकिन महाराज ने वचन को बचाया, प्राण का त्याग किया। एक वचन को मानकर आपके भैया वन में चले गए, दूसरा वचन मान के आप राजा बन जाइए ना भरत जी। एक वाक्य ये कहना था गुरु जी को कि भरत जी आप राजा बन जाइए, गुरु जी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी सीधे सीधे बोल देने की, इसलिए इतनी लंबी चौड़ी भूमिका बनाए और बोले आपके पिताजी को वचन से प्रेम है, इसलिए एक वचन मानकर राम जी वन में चले गए, दूसरा वचन मान के भरत जी आप राजा बन जाइए। मैं कहता हूं कोई अनुचित नहीं कहेगा। पिता की आज्ञा के लिए किसने क्या क्या नहीं कर दिया, परशुराम जी ने पिताजी की आज्ञा के लिए क्या नहीं किया संसार जानता है। जजाति के पुत्र ने अपने पिता को अपनी जवानी सौंप दी, जजाति के पिता, जजाति को बुढ़ापे में भी युवानी चाहिए थी, पुत्र से कहा, पुत्र ने पिता को अपनी जवानी सौंप दी। तनय जजाति जौवन दयहु पितु आज्ञा अघ अजस न भयहु। आपके पिताजी ने आपको राज सत्ता दी है, आप डरिए मत, वेद विदित है, लोक सम्मति है, पिता जिस पुत्र को सत्ता देता है वही इस पुत्र उस सत्ता का अधिकारी होता है। अब दर्शन करिएगा, ये श्रेष्ठ व्यक्तित्व की भाषा है। पढ़ा हुआ व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति एक एक शब्द में पूरा ग्रंथ उड़ेल के चला जाता है। गुरु जी ने क्या कहा, ये सूत्र पकड़ाया है भरत जी को संकेत, इसी एक चौपाई को भरत जी ने आधार मान लिया। गुरु जी ने कहा भरत जी पिता जिस पुत्र को सत्ता देता है वही पुत्र उस सत्ता का अधिकारी होता है। भरत जी मन में सोचने लगे पिताजी तो भैया को दे रहे थे, मेरे लिए तो मांगा गया है, यानी इस सत्ता के अधिकारी मैं नहीं मेरे भैया राम है। भरत जी ने पकड़ लिया इस बात को। गुरु जी ने कहा कि आप राजा बन जाएंगे ना तो राम जी भी प्रसन्न होंगे, माताएं प्रसन्न हो जाएंगी। हम तो कहते हैं भरत जी अभी राजा बन जाइए, और जब राम जी 14 साल बाद लौट के आएंगे ना उस समय सौंपे हो राज राम के आए, सौंपे हो राज। गुरु जी ने कहा कि अभी राजा बन जाइए, जब राम जी लौट कर आएंगे तब सौंप दीजिएगा।
सुमंत जी ने कहा, भरत जी गुरु जी जो कह रहे हैं ये उचित कह रहे हैं, राजा बन जाइए, राम जी जब आएंगे उस समय जो उचित होगा व्यवहार करिएगा। ये देखिए सारे लोग संकेत दे रहे हैं भरत जी को। अब सीधा सीधा कैसे कह दे कि नहीं भरत जी आप राजा मत बनिए, सीधा तो मना नहीं कर सकते हैं, संकेत दे रहे हैं। भरत जी से कहा कि भरत, सुमंत जी ने कहा कि भरत जी राजा बन जाइए, रघुपति आए उचित जस तस तब कर बबहोरी, राम जी जब आएंगे उस समय जो उचित लगेगा करिएगा। भरत जी सोचने लगे क्या बोले, भगवान की सत्ता भगवान को ही वापस करते समय मुझे उचित अनुचित का विचार करना पड़ेगा कि सौंपू कि ना सौंपू। इसका अर्थ है कि आज ले लेने के बाद हो सकता है वापस करते समय मेरा मन बदल जाए, और ये अकाट्य सत्य है। कोई भले स्वीकार न करे, लेते समय जो मन रहता है देते समय वो मन नहीं रहता। किसी से 10,000 उधार ले लीजिए, मिलेगा तो कितना आनंद आता है, देते समय आदमी 2,000 करके वापस करता है, अरे कहीं भाग थोड़ी रहे, ले लीजिएगा। भरत जी मन में सोचे कि सत्ता लौटाते समय मेरा मन बदल सकता है, जिस सत्ता को प्राप्त करने के बाद मन बदलने का भय बना है उससे अच्छा उस सत्ता को स्वीकार ही न किया जाए, ये पाथेय है मेरे लिए। माँ कौशल्या ने कहा भरत जी जो गुरु जी कह रहे हैं करिए। अब भरत जी खड़े भय पूरे समाज के सामने, जब माँ ने कहा तो भरत जी के नेत्र से झरझर आंसू निकल गए। सानी सरल रस मा तुम्हानी सुनी भरत व्याकुल भरे लोचन सरो देखत समय के सो दशा देखत समय के बिसरी सब ही सुधी देह के तुलसी सराहत सकल सार सकल साल रति सहज स्नेह के तुलसी सराहत सकल साल। माँ ने जब भरत जी से कहा, कौशल्या जी ने, कि भरत जी गुरु जी उचित कह रहे हैं, भरत जी रोने लगे, कहे माँ आपने गुरुदेव ने सुमंत जी ने सबने वही बात कही जिसमें आपको भरत जी का हित दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं एक बात कहूँ, पिताजी देवलोक चले गए, भैया मेरे वन में चले गए, और मुझे राजा बनाकर आप मेरा हित देख रहे हैं, मेरा हित राजा बनने में नहीं है माँ, हित हमारे सियापति सेवकाई। भरत जी कहते हैं कि मेरा हित भैया की सेवा में है, राजा बनने में नहीं है। गुरुदेव से भरत जी ने कहा कि आप मुझे राजा बनाने की बात कह रहे हैं ना गुरु जी, मैं पूछना चाहता हूं, सिर से लेकर पांव तक जितने आभूषण होते हैं गहने कोई पहन ले, अ कपड़ा ना पहने कैसा लगेगा, सिर से लेकर पांव तक गहने गहने पहन ले और एक भी कपड़ा ना पहने कैसा लगेगा। गुरु जी ने कहा व्यर्थ लगेगा। भरत जी ने कहा गुरुदेव
मन में वैराग्य नहीं है और ब्रह्म पर भाषण दे रहे हैं। गुरुदेव ने कहा व्यर्थ है, शरीर में रोग हुआ है और रोगी शरीर के लिए 56 प्रकार का भोग, गुरु जी बोले व्यर्थ है। अच्छा गुरुदेव, हृदय में प्रेम नहीं है और हम जप तप व्रत किए जा रहे हैं, गुरु जी बोले बिना प्रेम का किया हुआ जप तप व्रत सब व्यर्थ है। अच्छा गुरुदेव, सुंदर शरीर है उसमें प्राण नहीं है, गुरु जी बोले प्राण के बिना सुंदर शरीर व्यर्थ है। लेकिन भरत तुम पूछ क्यों रहे हो? तब भरत जी ने कहा गुरु जी, जैसे कपड़े के बिना शरीर का आभूषण व्यर्थ है, वैराग्य के बिना ब्रह्म की चर्चा व्यर्थ है, रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार का भोग व्यर्थ है, प्रेम नहीं है तो किया गया जप तप व्रत व्यर्थ है, सुंदर शरीर में प्राण नहीं है शरीर व्यर्थ है। गुरुदेव, उसी प्रकार अयोध्या में आप सब लोग हैं, लेकिन मेरे भैया राम नहीं है तो भरत के लिए अयोध्या व्यर्थ है, इसका कोई अर्थ नहीं है। बादी मोर सब बिनु रघुराय, बिना राम के मेरे लिए अयोध्या व्यर्थ है। गुरु जी, आप सब लोग मुझे राजा बनाना चाहते हैं, मेरी बात एक सुनिए। अभी भरत राजा नहीं बना है, अभी केवल ये प्रस्ताव सामने रखा गया है कि भरत को राजा बनना है, मेरा नाम सामने आया है, मैं राजा नहीं बना हूं। क्या हुआ? पिताजी मर गए, बड़ा भाई वन में चला गया। आप कल्पना करिए मैं कितना बड़ा पापी हूं गुरुदेव, मैं इतना बड़ा अधम हूं कि मेरे नाम की प्रस्तावना आने के बाद पिता की मृत्यु हो गई, बड़ा भाई वन में चला गया। जिस दिन ये पापी सिंहासन पर बैठ जाएगा गुरुदेव, धरती फट के रसातल के भीतर चली जाएगी, ये धरती बर्दाश्त नहीं कर पाएगी मेरे जैसे पापी को इस धर्म सिंहासन पर। यहां चाहिए धर्म शील नर नाहो, साच सब सुनिपत्या। मैं सत्य कहता हूं, विश्वास करिए आप लोग, गुरुदेव इस सिंहासन पर धर्मशील राजा चाहिए। मेरे समान कोई पापी है संसार में? मोहि समान को पाप निवास। गुरुदेव, दुनिया मुझे क्या क्या नहीं कह रही है। अच्छा हुआ इस पापी को विधाता ने कई कई के कोख से जन्म दिया, अच्छा हुआ। कह कही के कोख से आने के बाद ये मैं नहीं सुनूंगा तो कौन सुनेगा? कीचड़ वही होता है गुरुदेव जहां पानी होता है, अंतहु कीच तहां जहां पानी। मैं नहीं सुनूंगा तो कौन सुनेगा? मुझे तो दुख केवल एक बात का है कि मेरे कारण मेरे प्रभु को बिना पाव में पन्नी पहनने वन में जाना पड़ा है। आप सबने अपनी बात कह दी, मैं आप सबसे अपनी बात कहना चाहता हूं। आपन दारुण दीनता सब कहूं सब ही सिरु नाई, देखे बिनु रघुनाथ पद जिय के जरनी न जा। भरत जी ने कहा कि मैं अपनी बात कहना चाहता हूं, जब तक मैं अपने प्रभु के श्री चरणों का दर्शन नहीं कर लेता तब तक मेरे हृदय का ताप समाप्त होने वाला नहीं है। गुरुदेव, मैं प्रातः काल भैया के पास जा रहा, भरत जी बोले मैं आपसे आज्ञा नहीं ले रहा हूं, बता रहा हूं। आज्ञा लेने में भय है, आप मना कर देंगे तो रुकना पड़ जाएगा। गुरुदेव, मैं पूछ नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि मैं जा रहा हूं। मेरे साथ आप में से जिसको जिसको चलना है वो चल सकता है, कोई ना चले मैं जा रहा हूं वहां पर। और एक बात कहूं गुरुदेव, ये भरत चरित्र का एक भाग दर्शन करिए।
भरत जी कहते, गुरुदेव यद्यपि मैं अपराधी हूं, मेरे कारण ही मेरे घर में सारा उत्पात हुआ है, लेकिन एक भरोसा है मुझे, जैसे मैं अपने भैया के सामने जाऊंगा ना, मुझे विश्वास ये है कि मेरे सभी अपराधों को क्षमा करके अब वो दौड़ करके मुझे अपने हृदय से लगा लेंगे, इतना मेरा उन पर विश्वास है। आपन जानी न त्यागी नहीं मोहि रघुबीर, भरोसा रखिए। किस बात का? हम भगवान के हैं तो भगवान हमको डूबने नहीं देंगे। हम डूबते तभी हैं जब हमारे विश्वास में कमी हो जाती है। आपसे निवेदन करूं, भगवान दोष नहीं देखते, जीव दोष देखता है। भगवान दोष नहीं देखते, भगवान केवल गुण देखते हैं। भरत जी कहते हैं, देख दोष कबहू न उरा आने, सुन गुण साधु समाज बखाने। भरोसे में रहिए, भगवान है, हमारा अहित नहीं हो सकता है, ये विश्वास है और यही भजन है और यही भक्ति।